नमस्कार, आईवी टीवी में आपका स्वागत है। मेरा नाम निशा ओझा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पे अब तक बने हुए जगदानंद सिंह के आवास पर। और आप ये पीछे जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जगदानंद सिंह का ही आवास है जिसका नाम है कौटिल्य नगर 38, और यहीं हम मौजूद हैं। आपको ये बताना चाहेंगे कि अब तक की जो खबरें सामने आई हैं उसमें कई लोग इस बात का खंडन कर रहे हैं कि जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटने वाले हैं और उनकी जगह अब्दुल बारी सिद्दीकी को ये जो पद है वो दिया जा रहा है आरजेडी में। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो खुलकर इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस कुर्सी पर जगदानंद सिंह ही बने रहेंगे। हालांकि कल इन खबरों के बाद जब जगदानंद सिंह से बातचीत करने की कोशिश की गई, कुछ अखबारों ने बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया कि वो हमेशा से आरजेडी के लिए काम करते आए हैं, एक पद पर थे और हमेशा पार्टी के हित के लिए काम करते रहेंगे। और इसी बीच हम पहुंचे थे ताकि उनके घर जाएं, अगर वो हो तो उनसे बातचीत करें। लेकिन अंदर जब हमने गेट खुलवाया तो उनके केयरटेकर ने बताया कि वो नहीं है और पिछले एक डेढ़ महीने से नहीं आए हुए हैं। आपको मालूम ही होगा कि जिस तरीके से वो 2 अक्टूबर से नाराज़ चल रहे हैं, पार्टी कार्यालय नहीं पहुँचे हैं, अपने गाँव जो रहने वाले हैं कैमूर के वहीं पर हैं और उसके बाद से ही वो पटना नहीं आए। हालांकि कहा गया ये बीच में कि स्वास्थ्य को लेकर के वो 2-3 बार चेकअप के लिए पटना आए थे लेकिन फिर वापस अपने गांव लौट गए हैं। इसी बीच ये अफरा तफरी का माहौल राजद कार्यालय में कहा गया, क्योंकि इतने दिनों से वो एक्टिव मोड में नहीं है, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, कुछ बड़ा फैसला नहीं लिया जा रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस पद पर वो बैठे हैं, एक बड़ा पद है आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष का जगदानंद सिंह के लिए, लेकिन वो नादारत है इतने दिनों से, इसकी वजह से कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जा रहा है। ऐसे में ये खबरें सामने आई कि पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इनको लेकर के कोई बड़ा फैसला लेंगे और इनको पद से हटा दिया जाएगा और अब इस पद पर अब्दुल बारी सिद्दीकी को बिठाया जाएगा। लेकिन कल से इस खबर का लगातार खंडन हो रहा है। हालांकि आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं शिवानंद तिवारी, उन्होंने कहा है कि जगदानंद सिंह की छुट्टी हो रही है और कोई नाम आ रहा है। हालांकि इस नाम पर मुहर नहीं लगा है, लेकिन अब तक कल से ही ये खबरें तेज़ हो गई हैं कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को ये पद मिलने वाला है। हालांकि वो खुद भी कैमरे के सामने इस बात को इनकार कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि उनको इस कुर्सी पर नहीं बिठाया जा रहा है बल्कि जगदानंद सिंह ही प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि अगर वो प्रदेश अध्यक्ष अभी भी हैं तो वो क्यों नहीं आ रहे हैं प्रदेश कार्यालय, इतने आखिर क्यों खफा हैं। तो यही वो घर है जहां हम ये जानने पहुंचे थे कि आखिर सच में क्या जगदानंद सिंह यहां होकर के भी आरजेडी कार्यालय नहीं पहुंच रहे। लेकिन यहां आने के बाद हमें पता चला कि वो यहां मौजूद ही नहीं है। आपको बता दें कि उनकी नाराज़गी थी कि उनके बेटे को सुधाकर सिंह जो थे उनको मंत्री पद से हटाया गया था, उसके बाद से ही लगातार उनकी नाराज़गी आरजेडी के लिए देखी जा रही है। हालाँकि उन्होंने कभी पार्टी के खिलाफ में या तेजस्वी यादव के खिलाफ में एक भी बयान नहीं दिया है, लेकिन वो नादारत चल रहे हैं। ना तो वो आरजेडी कार्यालय पहुँच रहे हैं, ना ही उनको किसी राजनीतिक गतिविधि में देखा जा रहा है, जिसके बाद तमाम तरह के सवाल जो हैं वो लोगों के जहन में उपट रहे थे। और इन्हीं की जानकारी लेने के लिए हम उनके घर के बाहर आए थे। फिलहाल यहाँ जगदानंद सिंह की मौजूदगी नहीं है और जो खबर सामने आ रही है कि जल्द ही उनको अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है, हालांकि ऑफिशियली इसकी अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है कि वो प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे या फिर उनको हटाया जाएगा। बहरहाल आप तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आईवी टीवी के साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन हीरा के साथ मैं निशा, आईवी टीवी पटना। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।